जायद खान के पास फिल्मों में अपना करियर बनाने का बहुत बड़ा चांस था। एक तो वो संजय खान के बेटे थे, वही संजय खान जो एक सीरियल में टीपू सुल्तान बने थे। इसके अलावा जायद खान ऋतिक रोशन के साले थे और फिरोज खान के भतीजे भी थे, और इसके अलावा वो खुद भी काफी गुड लुकिंग थे। फिर भी वो अपने आप को एक बड़ा स्टार नहीं बना पाए। बात करें उनकी एक्टिंग की तो वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी आजकल के काफी हीरो से ठीक ठाक थी। जायद खान ने चुरा लिया है तुमने मूवी से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, और उसके बाद उन्होंने मैं हूं ना, दस, युवराज, मिशन इस्तांबुल, वादा और रॉकी जैसी और भी कई फिल्मों में काम किया। लेकिन इन सारे फिल्मों में सिर्फ वही फिल्में हिट रही थी जिनमें जायद खान सपोर्टिंग रोल में थे। अपने खुद के दम पर जायद खान कभी भी कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं दे पाए थे। जायद खान की आखिरी मूवी थी 2015 की शराफत गई तेल लेने, और ये मूवी कब आई और कब फ्लॉप होके चली गई किसी को पता भी नहीं चला। और पिछले 7 सालों से जायद खान किसी भी मूवी में दिखाई नहीं दिए। वैसे आपको क्या लगता है, जायद खान को अपना कमबैक करना चाहिए या नहीं?